इंटरव्यू में बॉडी पोस्चर बहुत मायने रखता है। छोटे से छोटा इंटरव्यू, बड़े से बड़ा इंटरव्यू, बॉडी पोस्चर बहुत लोगों का गलत होता है, 80% लोगों का गलत होता है। मेरे सामने काफी लोग इंटरव्यू देने आते हैं, वहां पर बहुत सारी गलतियां करते हैं। स्टार्टिंग में मैंने भी खुद गलतियां की थी और आज की डेट में भी थोड़ी बहुत गलती हो जाती है, लेकिन कुछ ऐसे बॉडी पोस्चर है जिनको आपको अवॉइड करना चाहिए, यानी वो गलती आपको नहीं करनी चाहिए इंटरव्यू में। बहुत कम समय में आपको बता दूंगा और बहुत छोटी सी वीडियो है, इसलिए पूरा देखिएगा। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जब भी मैं लेटेस्ट कोई वीडियो डालूंगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी और आप उसे सही समय पर देख पाएंगे। मेरी जो भी वीडियो होती है तुरंत ही रिजल्ट लाती है, या 6 महीने से अंदर ही आपको रिजल्ट मिलना स्टार्ट हो जाता है। तो कौन कौन से है ये बॉडी पोस्चर, चलिए दोस्तों इस वीडियो को स्टार्ट करें। तो देखो, हम सबसे पहले मैं पीछे बैठ जाता हूं ताकि आपको मेरा पूरा पोस्चर दिखे। यहां पर ये पूरा पोस्चर है। सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए, जो मैं जिस कंडीशन में बैठा हूं हमेशा आपको इसी कंडीशन में बैठना है। ये आपके जो दोनों हाथ है यहां जांग पे हल्का सा रहना चाहिए, दबा के नहीं, दबा के तो कंधे उठ जाएंगे, हल्का से यहां पर रखा होना चाहिए। ये कभी भी ऐसे नहीं होना चाहिए, और कभी भी आपको जो कुर्सी चाहे कितनी भी आरामदायक हो आपको ऐसे नहीं बैठना। बहुत सारे कैंडिडेट आते हैं ऐसे बैठ जाते हैं रिलैक्स होके, ये एकदम नेगेटिव साइन है कि आप में इंटरव्यू स्किल्स अभी है नहीं। तो कुर्सी पर टिका के नहीं बैठना है, चाहे पीछे कितना भी स्पेस हो जाए, हमेशा 90 डिग्री के एंगल पर बैठना है आपको, 90 डिग्री यानी कि ऐसे, ठीक है। दूसरी चीज ये है कि कभी भी आपको ये पोजीशन में नहीं बैठना, ऐसे नहीं बैठना है। और कई बार इंटरव्यू लंबा चलता तो कई कैंडिडेट इस तरह से भी कर लेते हैं, डिफेंसिव मोड में आ जाते हैं, ये बिल्कुल नहीं करना है। जो जो मैं कह रहा हूं वो करना ही नहीं है। इसके बाद कई जो कैंडिडेट होते हैं ऐसे 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 करते रहते हैं, ये भी एकदम नेगेटिव साइन है। कई लोग काफी देर इंटरव्यू हो जाता है तो पसीना पोंछने के लिए कुछ इस तरह से करते हैं, पसीना ऐसे नहीं पोंछना। आप जब भी इंटरव्यू जाए सफेद रंग का एक रुमाल बहुत ही प्रेस किया हुआ और अच्छी तरह से रख ले, जब कभी लगे कि आपको पसीना आ रहा है एक्सक्यूज में बोल के और धीरे से निकाल के ऐसे करके, हर 5 मिनट पे नहीं, मान लो इंटरव्यू लंबा चल रहा है तो आप एक बार उससे ऐसे कायदे से पोछें, ठीक है, वो भी थपथपा के। बहुत सारे लोग अपने बालों में ऐसे हाथ फेर लेते हैं, या उनको ऐसा लगता है कि चेहरे पे कुछ लगा हुआ है उसको सही करते हैं, या बहुत बार ऐसे ऐसे करने लगते हैं, ये एकदम नेगेटिव साइन है किसी भी इंटरव्यू में। क्योंकि इंटरव्यू 5 मिनट से लेकर 30 मिनट, ज्यादा ज्यादा आधे घंटे एक घंटे चलता है, अब उसमें भी आप ये सारी चीजें कर रहे हैं तो ये एक नेगेटिव साइन है। ये क्या करता है, नेगेटिव साइन कैसे है, ये क्या करता है, जो इंटरव्यू ले रहा है ना उसका ध्यान भटकाता है। वो आपके बारे में अच्छा सोच रहा होगा किसी पॉइंट पे, उसका ध्यान भटकाता है। आपको इंटरव्यू लेने वाले का ध्यान भटकाना नहीं है, ऐसे रखिए आराम से जवाब दीजिए इस तरह से, और आपका जो बॉडी पोस्चर आएगा वो बहुत अच्छा आएगा। कई लोग एकदम तन के बैठते हैं इस तरह से जैसे फौज में भर्ती होने आए हैं, फौज की भर्ती अलग है। इंटरव्यू जब देते हैं फौज की भर्ती में भी, फौज में भी जो ऊंची रैंक पे आप इंटरव्यू देते हैं तो आराम से बैठना होता है, ऐसा नहीं सीना निकाले एकदम बैठ जाते हैं, ऐसा लगता है कि अलग से ही इसने निकाल रखा है, यानी कि ये नॉर्मल लाइफ में ऐसा नहीं बैठता लेकिन आज ये ऐसे बैठा है, ऐसा लगना नहीं चाहिए। तो एकदम नॉर्मल बैठेंगे तो हाँ सभी लोग ऐसे ही बैठते हैं। ये कुछ बॉडी पोस्चर है जो आपको नहीं करनी चाहिए, जैसे आपके बाल में हाथ नहीं देना चाहिए, बाल पे हाथ नहीं फेरना चाहिए, चेहरे पे हाथ नहीं लगाना, आपको ऐसे ऐसे नहीं करना बार बार, ऐसे लगेगा कि बस आप में कॉन्फिडेंस की कमी है और आपको छुपाने की कोशिश कर रहे हैं या रिलैक्स दिखने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये सारी चीजें आपको नहीं करनी। इस तरह से जो भी बॉडी पोस्चर होता है ये चीज आपको नहीं बनाना। ये जैसे मैंने ऐसे कर दिया, भले आपको थोड़ी सी खुजली हो रही है लेकिन थोड़ा सा बर्दाश्त करिए थोड़ा सा, इसीलिए पहले से ही प्रिपेयर होके इंटरव्यू में जाया जाता है कि ताकि ये चीजें ना करनी पड़े। तो ये कुछ बॉडी पोस्चर हैं जो आपको नहीं करना चाहिए। जैसे मैंने बताया, हाथ दोनों जांग पे, आराम से रिलैक्स होके बैठिए, रिलैक्स होके जवाब दीजिए, चाहे आप झूठ बोल रहे हैं चाहे सच बोल रहे हैं, रिलैक्स होके इंटरव्यू हो रहा है आपका, वो आपके बारे में जानना चाहता है, ठीक है, अपने बारे में नेगेटिव मत उसको जानने दीजिए कि ये कैंडिडेट कमजोर है। ये सब सिग्नल होते हैं कि एक कमजोर कैंडिडेट के। बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे आके ऐसे बैठ जाते हैं ऐसे करके, मैं थोड़ा सा आपको पीछे से दिखाता हूं, मेरे सामने ही ऐसे करके बैठ जाते हैं ऐसे करके,
ऐसे करके बैठते हैं लोग इंटरव्यू में, लेकिन उनका अच्छा खासा एक्सपीरियंस होता है। नेशनल सेल्स मैनेजर होते हैं, नेशनल लेवल के मैनेजर होते हैं, राज्य लेवल के मैनेजर होते हैं, वो कभी कभी कई इंटरव्यू में इस तरह से बैठ सकते हैं। लेकिन इस तरह भी अलाउ नहीं है इंटरव्यू देने के लिए। अगर आप बुढ़े भी हैं, बहुत एक्सपीरियंस है, तो भी अलाउ नहीं है। लेकिन बहुत तरीके के कुछ ऐसे जगह के इंटरव्यू होते हैं जो आप इस तरह से डील कर सकते हैं। जहां पर इंटरव्यू कम, पार्टनरशिप ज्यादा हो रही है, वहां पर आप ये चीजें कर सकते हैं, लेकिन ना करें तो ज्यादा अच्छा है। तो मैं कह रहा हूं कि आप में अभी 2-4 सालों का एक्सपीरियंस है और आप इस तरह से बैठे हैं, आके रिलैक्स होके, या इस तरह से बैठ गए, शादी ब्याह की बात करने थोड़ी आए हैं, इंटरव्यू देने आए हैं। चाहे आप अपने लाइफ में कुछ भी हो, आपको वहां पर एक इंटरव्यू वाला कैंडिडेट जो होता है उस तरीके से बैठना, ऐसे आराम से रिलैक्स होके। तो ये कुछ पोस्चर थे जो आपको नहीं करने इंटरव्यू में, चाहे आपका एक्सपीरियंस कितना भी हो जाए। जो चीज मैंने बताई है कि ऐसा कर सकते हैं, वो कुछ तरह की डीलिंग होती है वहां पर, पार्टनरशिप होती है, पार्टनरशिप कम सैलरी होती है।